के समूह ना खड़ा हुई है देश के पूर्ण विकास असंभव बा, ऐसा हमारे पार्टी के विचारधारा। वही कार्यकर्ता के व्यक्तित्व विकास खाती, पार्टी के रीति नीति सिद्धांत के जानकारी खाती, पार्टी का कर रहल बिया एकर हमार नीचे मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता के जानकारी हो। गोल लगातनी समाचार बटुए चौगाई प्रखंड के मुरार पंचायत से खबर के हेडलाइन सुनी। मुरार हाई स्कूल में शुरू भइल भाजपा के दू दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम, 8 बिंदु पे भइल मंथन, पार्टी के मजबूत करे पे दिहल गइल बल। नमस्कार, हम चंद्रशेखर सिंह, खबर विस्तार से सुनी। मुरार हाई स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर के आयोजन कइल गेल। ये आयोजन के अध्यक्षता भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार गौतम कैनी, मंच के संचालन नंदलाल पंडित कैनी, कार्यक्रम में बोलत प्रभारी बलिराम पांडे आ मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमचंद चंद्रवंशी कहनी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण पूरा बिहार में चलावल जा रहा बा। बिहारे ना हर एक मंडल में चलावल जा रहा बा, हर एक मंडल में सब प्रकोष्ठ के लोग उपस्थित रही हैं। यहाँ के कहनी कि प्रशिक्षण शिविर में 8 बिंदु पर चर्चा कइल जाता, जौना में महत्वपूर्ण रूप से उद्घाटन सत्र, हमार विचार हमार कार्य पद्धति, संगठन संरचना में हमार भूमिका, सोशल मीडिया के प्रभाव और प्रयोग, भाजपा के इतिहास, विकास आ हमनी के विचारधारा, व्यक्तित्व विकास, आत्मनिर्भर बिहार। यह शिविर में निचला तबका के लोग के कैसे जोड़ल जाए, यह बिंदु पर मंथन चलत रहल। यहाँ के कहनी कि हमार पार्टी के मूल मकसद ये बा कि हमनी के अपन संगठन के विस्तार कैसे करी जाए, एकरा खातिर हमनी के घर घर तक संपर्क करम जाए, घर के प्रत्येक व्यक्ति के केंद्र सरकार द्वारा चलावल जा रहल योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करम जाए। एकरा अलावा यह कार्यक्रम में बोलत पंचायती राज्य प्रकोष्ठ ओम प्रकाश भुवन कहनी कि आज सोशल मीडिया के प्रभाव बढ़ गेल बा, हमनी के सोशल मीडिया पे भी सरसरी निगाह रखे के होई, साथे साथ हमनी के अपन पार्टी के कार्य प्रणाली के भी विस्तार से अपन सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करे के होई। यह कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंत्री अर्जुन सिंह, राहुल मेहता, मुकेश कुमार, भाजपा के महिला जिलाध्यक्ष माधुरी कुंवर सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहल। बता दें कि कार्यक्रम आज और कल 2 दिन तक चली। यह प्रशिक्षण शिविर में भारतीय जनता पार्टी के छोट कार्यकर्ता से लेकर बड़ कार्यकर्ता तक शरीक बने, लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करी। सुनी बयान। और 1951 में जब जनसंघ का स्थापना हुई और उसे समय से अंत्योदय जेकर मुख्य लक्ष्य उन्हें लेके चलल बानी, और हमने राजनीति में जरूर आई बानी, लेकिन कौनो तरह से राजनीति में समझौता लेके, जब तक राष्ट्र हित, समाज हित और आज प्रशिक्षण शिविर के जो आयोजन कइल गेल बा, ये प्रशिक्षण शिविर में का ट्रेनिंग दिहल जाए, ये जो कार्यकर्ता बने अपन जे हमार विचार लेके चलल बानी, और हाँ वो विचार कि हमार राजनीति में आवे के का उद्देश्य रहे, उद्देश्य के जो एकांत मानववाद बा, एकरा के विस्तार से तनी बताइए, एकांत मानववाद के मतलब क्या भाई? एकांत तो एक में सब, एक से सब, सबसे एक और अंतिम पौदान तक के व्यक्तियों के जब तक उद्धार ना हो तब तक भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में और अंतिम पौदान के व्यक्तियों खातिर काम करी और उत्थान के काम। राउर पर छे माधुरी कुंवर, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। असंस्कारी व्यक्ति के समूह ना खड़ा हुई है देश के पूर्ण विकास असंभव बा, ऐसा हमारे पार्टी के विचारधारा। वही कार्यकर्ता के व्यक्तित्व विकास खाती, पार्टी के रीति नीति सिद्धांत के जानकारी खाती, पार्टी का कर रहल बिया एकर हमारे नीचे मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता के जानकारी होके, ये सब सोच के लेके पूरा बिहार के लगभग 1100 मंडल में प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा बा। वही क्रम में आज चौगाई मंडल के भी प्रशिक्षण वर्ग बा। एकरा में मंडल के जितना हमारे पदाधिकारी हुई हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख हमनी के बोली लिंजा, जो पंचायत में एगो प्रमुख कार्यकर्ता हमारे ऊर्जा पदाधिकारी बा, तो शक्ति केंद्र प्रमुख हुई हैं, उप प्रमुख हुई हैं, ओकरा अलावा जितना हमारे यहाँ मोर्चा के अध्यक्ष हुई हैं,
चार गो प्रकोष्ठ जोन बा हमनी के पंचायती राज महादलित मत्स्यजीवी सहकारिता उकर मंडल के अध्यक्ष हुई हैं। यदि क्षेत्र के जितना हमारे जिला प्रदेश के पदाधिकारी हुई हैं वो हुई हैं। ये सारा एगो स्तर तय बा संगठन के उकरा से जुड़ल सब लोग एमे उपस्थित हुए। मुख्य उद्देश्य ये बात कि निचला पावदान पे जो लोग खड़ा बा उनको के सामान्य श्रेणी में लावे खातिर और सबके एक साथ जोड़े खातिर कि प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। प्रशिक्षण शिविर चल रहा बा कि जौन वह बात कहनी है ओकर रास्ता कैसे बा और ओकरा पर कैसे चलल जाओ एकरा खातिर हमारे कार्यकर्ता जागरूक होके।